गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे हिंदी फर्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, हिंदी फर्स्ट मधुवन क्लास एट्थ. ओपन योर बुक स्टूडेंट्स. आपका ये जो हिंदी है ये मैंने 10 चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो चुका था. 10 चैप्टर था आपका भिखारिन. ओके स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर 11 हम रीड करेंगे. ओके, चैप्टर 11 सिंड्रेला का स्वप्न. सिंड्रेला का स्वप्न के बारे में हम आज रीड करेंगे. स्टूडेंट्स, प्रस्तुत कहानी बड़े नगरों की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों के जीवन पर प्रकाश डालती है. क्या है, जो आपकी जो झुग्गी झोपड़ियां रहती होती हैं उनमें से जो गरीब लोग रहते हैं, आज हम उनका जीवन के बारे में प्रकाश डालेंगे. उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जीवन कैसे चलता है, कैसे वो एक गरीबी में रह करके कैसे अपना जीवन यापन करते हैं. तो इन गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा तो दूर, उनको शिक्षा तो बहुत दूर, भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता, क्योंकि जो वो इतने गरीब रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कि वो इतने गरीब रहते हैं बच्चे कि उनकी शिक्षा तो हो ही नहीं पाती, परंतु उन्हें बस भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है. इस स्थिति में मजबूर होकर उन्हें अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है. क्योंकि क्या होता है कि जब उन्हें ना जब भरपेट भोजन नहीं होगा तो उन्हें चाहे जैसी भी परिस्थिति हो उन्हें काम करना पड़ता है. ऐसे बच्चों के भी स्वप्न होते हैं, क्योंकि सपना तो हर बच्चे का होता है कि वो भी पढ़े लिखे, वो भी पढ़ लिख करके बड़ा हो. तो ऐसे बच्चों के भी स्वप्न होते हैं, परंतु क्या वे स्वप्न कभी साकार हो सकते हैं? अगर क्या जो बच्चे देखते हैं क्या वो कभी साकार हो सकते हैं? क्या समाज उनके प्रति संवेदना रखता है? शायद नहीं. लेखिका ने इस असंगति को इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है. जो हमारी लेखिका है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि लोगों की उन बच्चों के भी सपने होते हैं और समाज उनके प्रति संवेदना रखता है या नहीं. आइए हम इस कहानी के माध्यम से इसके सिंड्रेला के स्वप्न के बारे में हम जानेंगे कि कैसे वो बच्चे अपना रहन सहन और उनका पालन पोषण होता है. ओके स्टूडेंट्स, एक दिन यूं ही काल बेल बजने पर दरवाजे के सहारे उसे डरी सहमी खड़ी पाया था. एक दिन क्या था, वो एक बच्ची क्या था, उसे डरी सहमी पाया था. पास के घर में काम करने वाली सोनाबाई अपने लठमार लहजे में बोली थी, तुमको काम करने का वास्ते एक छोकरी मांगता है. उसने क्या किया कि हमको तुमको काम करने के लिए एक छोकरी चाहिए. वहां पे उस वहां की लैंग्वेज क्या थी, लड़की को वो लोग छोकरी बोलते थे. जो बच्ची थी ये, तो उसको क्या बोलते थे, छोकरी. तो क्या कह रहे हैं, पूछ रहे कि तुमको काम करने का के वास्ते एक छोकरी चाहिए, मांगता था, देख रखो इस छोकरी को. उसने क्या किया कि मैं एक लड़की लाई हूँ और इसको वर्क आपको काम करने के लिए जो चाहिए था तो आप इसे रख लो. अपने चेहरे पर आए असंतोष और राहत के भाव को भी बड़ी चतुराई से छिपाकर बोली, यह तो बहुत छोटी है, अभी काम की हुई भी नहीं लगती. क्या था, वो बहुत छोटी थी क्योंकि वो काम करने लायक नहीं थी. इसके साथ तो महीनों सर खपाना होगा. उसने कहा कि इसको तो कुछ नहीं आता है और ये बहुत छोटी है, इसको काम करने में बहुत सारा महीनों अपना सर खपाना होगा, उसे सिखाना पड़ेगा, फिर भी यह काफी गरीब लगती है, मुझे दया आ गई, रख लूंगी. उसने क्या कहा कि मुझे दया आ गई और ये बहुत गरीब दिखती है इसलिए मैं इसे रख लूंगी. गर्ज यह कि पूरे 5 मिनट तक धारा प्रवाह में यह सिद्ध करती रही कि यह छोकरी मेरे किसी काम की नहीं है. वो बार बार क्या कहती रही, वो बार बार यही जवाब देती रही कि इसको कुछ नहीं आता और ये कुछ नहीं कर पाएगी, तो ये मेरे काम की नहीं है. वो बार बार इसी को अपना बोलती रही, पर चूंकि ये बेहद गरीब है और मैं बेहद दयालु इसलिए मेरा मन पसीज गया. उसने कहा कि मैं ये बार बार बोलती तो रही कि मतलब ये बहुत काम के लायक नहीं है, काम नहीं कर पाएगी, लेकिन एट लास्ट में क्या हुआ, उसने सोचा कि ये बहुत गरीब है तो मैं इसे रख लेती हूँ और मैं बेहद दयालु इसलिए मेरा मन पसीज गया है. अब मैं असली मकसद पर आई, पर मैं इसे 20 रुपए महीने से ज्यादा पगार नहीं दूंगी. क्या किया उसने कि वो बहुत छोटी है तो इसलिए मैं क्या करूंगी, उससे ज्यादा 20 रुपए से ज्यादा मैं उसे मंथली पगार, यानी जो मंथली का जो पैसा दिया जाता था जो एक महीने का, तो वो उसे कह रही है कि मैं 20 रुपए से ज्यादा, इससे ज्यादा मैं उसे पगार नहीं दूंगी, यानी सैलरी उसको मैं 20 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी.
मन से डर रही थी, पर सोनाबाई को शायद ज्यादा जल्दी थी। वह तटस्थ भाव से ठीक है कहकर चलती बनी। उसने क्या कहा, वो डर रही थी लेकिन क्या किया उसने, सोनाबाई ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम उसे 20 रुपए ही देना और मैं उसे रख लूंगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर आपको यहाँ से रीड करना है, सो आप लोग यहाँ से और आपको यहाँ तक आप लोग के लिए होमवर्क है और आप यहाँ से यहाँ तक इसको रीड करेंगे। यहाँ से मैंने इधर से आपको एक दिन से यहाँ तक रीड करा दिया और इसके बाद आप इसको आपके लिए SW है, आप यहाँ से और यहाँ तक इसको रीड करेंगे, फिर आगे की स्टोरी मैं आपको यहाँ से नेक्स्ट डे रीड कराऊंगी। ओके, थैंक यू।